हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। आई जस्ट सी वेदर वी आर ऑनलाइन और नॉट गाइस, एंड वंस वी आर ऑनलाइन विल स्टार्ट विद दैट। लेट मी जस्ट कंफर्म वेदर वी आर ऑनलाइन और नॉट गाइस। और क्या कहते हो? चलो, आई एम ऑनलाइन गाइस, मैडम ने कंफर्म कर दिया है। तुली सर को याद कराना पड़ा कि तुली सर आपका टाइम खत्म हो गया है, तो लेट्स स्टार्ट। सो तुली सर हैज फाइनली कंप्लीटेड। सो गाइज, लास्ट वीक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सेशंस डाले थे, आज मैं लाइव हूँ। आई होप यू मिस्ड मी गाइज, बिकॉज लास्ट वीक मैं गया था ट्रैक पे और आई एंजॉय ट्रैकिंग गाइज। सो लेट्स कंटिन्यू टुडे, क्या कहते हो? कैन वी कंटिन्यू? चलिए। तुली सर कह रहे थे सॉरी सर लेट हो गया, बट दैट्स ओके, प्रिटी ओके। सो गाइज, आज का हम लोग जो चैप्टर करने वाले, दैट चैप्टर इज नोन एज इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइज? सो गाइज, इंश्योरेंस क्लेम्स करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइज। तुली सर ने भी बताया होगा, पॉपली सर ने भी बताया होगा, सचिन सर ने भी बताया होगा गाइज, कि हमारा एक बैच आ रहा है एंड दिस बैच इज रेफर्ड टू एज आशीर्वाद बैच। गाइज, मई 23 अटेम्प्ट के लिए ये बैच है। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू गाइज यू नो पासिस दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स कलीग्स कि ये बैच ज्वाइन करना है। ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 25 अगस्त से, दैट इज 3 डेज फ्रॉम नाउ। बेसिकली 22 आज खत्म हो चुका है, 23, 24, 25 को हम लोग ये बैच चालू कर रहे हैं। एंड गाइज, आपको तो पता ही है कि यही हमारी टीम है जो यूट्यूब पे भी रिविजन ले रही है। सो गाइज, पूरा प्लानिंग हो रखा है। दिस आर द एडुकेटर्स विच आर टेकिंग योर यूट्यूब रिविजन ऑल्सो। सचिन गुप्ता सर आपका रिविजन लेते हैं 7 बजे, पॉपली सर 7:30 बजे, तुली सर 8 बजे और मैं 8:30 बजे। और गाइज, एक बहुत अच्छा स्कीम हो रखा है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट 20% ऑफ। सो प्लीज़ यू नो, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस नाउ एंड गेट 20% ऑफ। गॉट दैट? टू गुड। तो चलिए गाइज, आज का चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक। मैंने एक नोटपैड भी ओपन कर रखा है, अगर आप भी मेरे साथ करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इस चैप्टर में गाइज, हमें सिर्फ दो चीज़ें लर्न करनी है, वन इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड सेकेंड वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो आइडिया ये है कि गाइज, लॉस ऑफ स्टॉक की बात करते हैं पहले, पार्ट नंबर वन। सो आई विल स्टार्ट विद पार्ट नंबर वन एंड आई विल से दिस इज माई पार्ट ए, एंड आई विल से दिस पार्ट ए इज बेसिकली अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक। सो लॉस ऑफ स्टॉक की बातें करेंगे। डू यू अग्री विद दिस वन गाइस? अरुण गुड इवनिंग, हाई गौरव, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल बेटा? सो गाइस, एक गोडाउन है, गोडाउन में हमने अपने गुड्स रखे और गोडाउन में हम लोगों ने गुड्स रखे हैं, तो वो गुड्स गाइस रखे थे, डेफिनेटली स्टॉक था, पर वहां पे आग लग गया। अब अगर गोडाउन में आग लग जाता है तो हमारे गुड्स जल जाते हैं और हमें इंश्योरेंस पॉलिसी फाइल करनी है, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना है कि हमें कितना इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो उसके लिए जानना ये जरूरी है कि हमारे गोडाउन में गुड्स कितने के थे। सो बेसिकली द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज दैट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच वॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कितना था और मैं कितने का क्लेम कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करना। इसीलिए अगर आपको याद हो तो गाइज, हम लोग स्टेप्स में काम करेंगे और मैंने स्टेप्स को डिफाइन करके रखा है ये चीज़ को, कि हम लोग 6 स्टेप में काम करेंगे। सो स्टेप नंबर वन बेसिक इन्फो है, स्टेप नंबर वन जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर, स्टेप नंबर थ्री जीपी रेशियो ऑफ द करंट पीरियड, स्टेप नंबर फोर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर, स्टेप नंबर फाइव कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड स्टेप नंबर सिक्स कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। सो 6 स्टेप में अमाउंट काम होने वाला है। स्टेप नंबर वन पे हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, दैट इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग 4 चीज़ें गैदर करेंगे, डेट ऑफ हायर, प्रीवियस ईयर, करंट पीरियड, ईयर एंडिंग, ये 4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन में गैदर करेंगे। स्टेप नंबर टू में गाइस, हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे और जीपी रेशियो किसका निकालेंगे गाइस, प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो निकालेंगे। स्टेप नंबर थ्री पे हम लोग वापस एक बार जीपी रेशियो निकालेंगे और जीपी रेशियो किसका निकालेंगे, हम लोग करंट ईयर का या करंट पीरियड का बोल सकते हैं। सो करंट ईयर से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उसे करंट पीरियड बोलें।
स्टेप नंबर फोर पे हम लोग क्या ढूंढेंगे गाइस? स्टेप नंबर फोर पे हम लोग ढूंढेंगे स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर ढूंढेंगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट कि जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में कितने के गुड्स थे। स्टेप नंबर फाइव पे क्या ढूंढेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक ढूंढेंगे कि कितने के स्टॉक गुम गए, बिकॉज जितना स्टॉक फायर गोडाउन में था शायद पूरा ना जला हो। अगर आपको याद हो तो देयर कैन बी समथिंग विच इज नोन एज सैलवेज, सो वी कैन हैव समथिंग दैट इज सैलवेज, निकाल दो तो लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। एंड स्टेप नंबर सिक्स गाइस, फाइनली हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम कर देंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज ए अपॉन एस इंटू एल, दैट इज अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ स्टॉक। सो सिक्स स्टेप्स, बेसिक इन्फो, जीपी रेशियो फॉर द प्रीवियस ईयर, जीपी रेशियो फॉर द करंट पीरियड, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम, ए अपॉन एस इंटू एल। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइस? टू गुड। फर्स्ट वन, बेसिक इन्फो, डेट ऑफ फायर, ईयर एंडिंग, प्रीवियस ईयर, करंट पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो फॉर द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो फॉर द करंट पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लासिक, टू गुड। चलिए गाइज, इफ यू आर रेडी प्लीज, मैंने 10 बार पहले भी कहा है कि आई वुड लव अगर ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व कर सकें। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सिले किए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सो आई वुड लव इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी। ठीक है, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज एक बार अरुण गौरव जकास बोल दो तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन टुगेदर। वन, मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th of September ईच ईयर, बट ऑन 31st December 2011 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्टॉक। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स। वन, स्टॉक ऑन 1/10/2011 29,700। गाइस, ऑन 30th सितंबर ईच ईयर अकाउंट्स बंद होते हैं, 31st दिसंबर 2011 को फायर लग गया। सो डेट ऑफ फायर इज 31st ऑफ दिसंबर 2011। गाइस, ईयर एंडिंग इज 30th सितंबर। 2011 वुड बी आर प्रीवियस ईयर। 2011 दैट इज 1st ऑफ अक्टूबर 2011 टू 31st ऑफ दिसंबर 2011 हमारा करंट पीरियड होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स। स्टॉक ऑन 1/10/2011 इज 29,700। गाइस, ये स्टॉक है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड। परचेज दिया है करंट पीरियड का, वेजेस दिया है करंट पीरियड का, और सेल्स दिया है करंट पीरियड का। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33% ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। इफ द जीपी रेशियो इज 1/3 ऑन कॉस्ट, देन इट इज 1/4 ऑन सेल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टॉक ऑफ वैल्यू 3,000 वॉज सैलवेज्ड, 3,000 का सैलवेज है। इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर 25,000 एंड क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज। इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 का दिया है एंड क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वन, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। गाइज, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट 10% लेस किया है, तो आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना वो 90% पे है, तो हमें इसे गाइस इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज 29,700 को अगर हम लोग 90% से डिवाइड करते हैं तो 33,000 आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाई फॉर्म्स ओन वर्कर, ही वॉज पेड 500 विच वॉज इंक्लूडेड इन द वेजेस पाई, तो ये वेजेस में नहीं आना चाहिए, वेजेस से निकाल देंगे। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ प्लांट फॉर 5,000, परचेज ऑफ प्लांट भी परचेज में नहीं आना चाहिए, ये असेट में चला जाना चाहिए। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम बाई लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई होप यू गाइज आर वर्किंग अलॉन्ग विथ मी। चकास, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर वन। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का स्टेप नंबर वन, एंड वॉट शुड बी माई स्टेप नंबर वन? माई स्टेप नंबर वन शुड बी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फो क्या आना चाहिए गाइज? डेट ऑफ फायर आना चाहिए। डेट ऑफ फायर क्या दिया है हम लोगों को गाइस? 31st दिसंबर 2011, 31st ऑफ दिसंबर 2011। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्या दिया है हमें? प्रीवियस ईयर के पहले हम लोग ईयर एंडिंग बोल देंगे। सो व्हाट इज द ईयर एंडिंग दैट दे हैव गिवन टू मी गाइस? द ईयर एंडिंग दैट दे हैव गिवन टू मी इज 31st ऑफ सितंबर, और 30th ऑफ सितंबर बोल देता हूँ मैं। तो गाइस, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? जो एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर की। क्यों ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर की?
बिकॉज गाइस 2010-11 का जीपी रेशियो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया तो ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वन गाइस, हमें करंट पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हील से करंट पीरियड, और करंट पीरियड में गाइस हमारा पीरियड आ जाएगा फ्रॉम 1/10/2011 टू 31st December 2011। आई होप यू ऑल गाइस आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल, टू गुड, क्लासिक। नेक्स्ट वन गाइस, दिस इज माई स्टेप नंबर वन। नाउ माई स्टेप नंबर टू इज जीपी रेशियो चाहिए मुझे, और जीपी रेशियो मुझे किसका चाहिए गाइस, जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर चाहिए, ठीक है, जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर। गाइस प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो के लिए क्या करना है, एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेशियो निकालना है। बट इस क्वेश्चन में गाइस हम लोगों को जीपी रेशियो ऑलरेडी दे दिया है 33% ऑन कॉस्ट, दैट इज 33.33% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, 33.33% का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, एंड 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। आई होप यू गाइस आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल, ठीक है ना, टू गुड। हमें क्या चाहिए, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर इसका परसेंटेज भी निकालना है तो आपको पता चलना चाहिए कि 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 25% ऑन सेल्स, गॉट दैट, टू गुड, पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन गाइस, स्टेप नंबर थ्री पे हम लोगों को क्या चाहिए, जीपी रेशियो चाहिए, और जीपी रेशियो हम लोगों को चाहिए गाइस ऑफ करंट पीरियड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो गाइज हम लोग अज्यूम करते हैं कि करंट पीरियड का जीपी रेशियो इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है गाइज इट इज 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइज, टू गुड अरुण, दैट्स फैंटास्टिकली परफेक्ट। नेक्स्ट वन गाइज, स्टेप नंबर फोर पे क्या करना है हमें, स्टेप नंबर फोर पे हमें ढूंढना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। सो दिस इज स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, हम लोग को एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो वील से वी हैव मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पीरियड, ये पूरे साल का नहीं है, ये पीरियड का है, फॉर पीरियड गाइज फ्रॉम 1/10/2011 टू 31st December 2011। गाइज दिस इज माई क्रेडिट साइड एंड दिस इज माई डेबिट साइड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, परफेक्ट है गाइज, बढ़िया। चलिए सो गाइज यहाँ पे हम लोग ने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, और ट्रेडिंग अकाउंट के मैं दो कॉलम बना रहा हूँ डेबिट साइड पे, बिकॉज थोड़ी एडजस्टमेंट्स है। और गाइज ये आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, जकास है, टू गुड। गाइज फर्स्ट से चालू करते हैं, डेबिट साइड से चालू करते हैं। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले इन्होंने हमें दिया था टू ओपनिंग स्टॉक गाइज, और ओपनिंग स्टॉक उन्होंने दिया था 29,700, बट दिस 29,700 ऑफ ओपनिंग स्टॉक ना गाइज इज 10% बिलो द कॉस्ट। सो 29,700 को 90% से डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट आ जाना चाहिए 33,000। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइस। नेक्स्ट टू परचेज, और परचेज में इन्होंने दिया है हमें 75,000, बट इन्होंने क्लियरली कहा है कि दिस इंक्लूड्स द परचेज ऑफ प्लांट। सो ये 75,000 में से लेस प्लांट हम लोग निकाल देंगे, 5,000 का प्लांट है, 75,000 माइनस 5,000 आंसर कम्स टू 70,000। नेक्स्ट वन गाइस हमें दिया गया है टू वेजेस, एंड हाउ मच इज द वेजेस दे हैव गिवन टू यू, वेजेस इज 33,000, बट इट इंक्लूड्स वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। सो गाइज दिस इज 33,000 लेस प्लांट, और प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए गाइज हम लोगों को 500 रुपीज लेस करने होंगे। सो 500 रुपीज लेस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 32,500। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दिस इज 33,000 लेस पेड फॉर द परचेज। सेल्स 1,40,000 दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखते हैं बाय सेल्स, एंड द सेल्स इज 1,40,000, करेक्ट गाइस।
फाइनली गाइस हमें यहाँ पे जीपी मिल जाएगा। उन्होंने कहा था जीपी इज 20%, सॉरी आई वुड नॉट से 20%, आई वुड से 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। सो 1,40,000 का 1/4 दैट इज 25% आता है, दैट इज 35,000। एंड गाइस डन, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं। सो 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500 प्लस 35,000, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1,70,500। सो दिस इज 1,70,500, दिस इज 1,70,500 माइनस 1,40,000। गाइज आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 30,500। क्या मिल गया 30,500 गाइज? बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। चुकास है, दैट इज 30,500। टू गुड गाइज, आगे जाते हैं। दिस इज माई स्टेप नंबर 3 डन। नाउ माई स्टेप नंबर 4, नो दिस इज माई स्टेप नंबर 4 डन आई गेस, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो फॉर द करंट पीरियड, देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर 5 पे आ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक ढूंढना है। तो स्टेप नंबर 5 विल कैलकुलेट समथिंग विच इज नोन एज लॉस ऑफ स्टॉक। कैसे ढूंढेंगे लॉस ऑफ स्टॉक गाइस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना दिया था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? 30,500। क्या लेस करेंगे? सैलवेज लेस कर देंगे। सो लेस द सैलवेज, हाउ मच इज द सैलवेज गिवन टू यू? 3,000 इज द सैलवेज। सो 3,000 हमारा सैलवेज आ जाएगा गाइस। 30,500 में से 3,000 सैलवेज निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 27,500, एंड 27,500 विल बी द लॉस ऑफ स्टॉक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल गाइस। स्टेप्स याद करो और ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग करो। व्हाट इज द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1 आता है हम लोग का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 आता है हमारा जीपी रेशियो फॉर द प्रीवियस ईयर। स्टेप नंबर 3 आता है जीपी रेशियो फॉर द करंट पीरियड। स्टेप नंबर 4 आता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। स्टेप नंबर 5 आता है लॉस ऑफ स्टॉक, एंड लास्ट वन गाइस स्टेप नंबर 6, द फाइनल स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टेक इज गोइंग टू बी अमाउंट ऑफ क्लेम। और अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए गाइस क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ए अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई एल, दैट इज अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ स्टॉक। सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना दिया गया है हमें? 25,000 डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 30,500 मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ स्टॉक, मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑफ स्टॉक दैट इज 27,500। गाइज आंसर 25,000 डिवाइडेड बाई 30,500 मल्टीप्लाइड बाई 27,500, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 22,541 रुपी। 22,541 इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। टेल मी चकास, टेल मी दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एवरी थिंग। परफेक्ट है, टू गुड। ये है ना, मेरा नाक थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, बट दैट्स ओके। चलिए गाइज एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, और ये बढ़िया सा क्वेश्चन अगर आपको याद हो ना तो गाइज दिस क्वेश्चन विल बी ऑन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कुछ, ठीक है? चलिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन लिया है गाइज मैंने, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन श्री गरीब दास, इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, जहाँ पे हम नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स की कहानी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? फर्स्ट वन, ऑन 19 मई 2012 द प्रीमाइसेस ऑफ श्री गरीब दास वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो 19 मई हमारा डेट ऑफ फायर है, बट सफिशियंट रिकॉर्ड्स वेर सेव्ड वेर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सर्टन रुपीज। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2011, प्रीवियस ईयर का बिगनिंग 36,750, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2011 39,800, क्लोजिंग स्टॉक परचेज है लास्ट साल का 1,99,000, सेल्स है लास्ट ईयर का 2,43,500, परचेज लेस रिटर्न्स करंट पीरियड का, सेल्स लेस रिटर्न्स करंट पीरियड का। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2011 1,150 हैज बीन रिटर्न ऑफ ऑन सर्टन स्टॉक विच वॉज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ 3,450। सो गाइज 3,450 का ये फाइल मैं बंद कर देता हूँ।
एंड आई रिमेन योर. सो गाइस लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में 1150 हैज बीन रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक विच वॉज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3450. सो राइट ऑफ कर दिया था, मतलब एबनॉर्मल गुड्स थे, 1150 राइट ऑफ कर दिया था विच वॉज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ 3450, जिसका कॉस्ट 3450 था. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट? द पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वे सोल्ड इन मार्च 2012 एट अ लॉस ऑफ 125 एट एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1725. द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन. ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड. The salvage is 29,700. Show the amount of claim of stock destroyed by fire. Memorandum trading account to be prepared for the period from 1st Jan 2012 to 19th May 2012 for normal goods and abnormal goods. Well, अब question हमें clearly कह रहा है कि हमें normal और abnormal का column अलग-अलग बनाना है. चलिए, guys. So first one, step number one से चालू करते हैं. What is step number one about now? Is basic info. Basic info में हमें क्या चाहिए? बेसिक इन्फो में, फर्स्ट इन्फो में चाहिए डेट ऑफ फायर. सो गाइस फर्स्ट लाइन पे ही दिया था कहीं पे तो कि डेट ऑफ फायर है हमारा 19th May 2012. ठीक है गाइस. सेकंड, ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग 31st दिसंबर लेना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने 1st Jan का ओपनिंग स्टॉक दिया है. गाइस थर्ड वन, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा 2011. एंड गाइस फोर्थ वन हमारा होना चाहिए करंट पीरियड. तो गाइस हमारा करंट पीरियड हो जाएगा गाइस 1st Jan 12 टू 19th May 2012. चकास है गाइस? टू गुड. दिस इज माई स्टेप नंबर वन. गाइस स्टेप नंबर टू, व्हाट इज माई स्टेप नंबर टू? गाइस जीपी रेशियो निकालना है और जीपी रेशियो किसका निकालना है? प्रीवियस ईयर का निकालना है. तो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट. बट ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है गाइस इज फॉर ईयर एंडेड 31st December 11. प्रीवियस ईयर है, क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड भी है. और गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. बट ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे ना, इसमें तीन कॉलम आएंगे और वो तीन कॉलम कौन से आएंगे गाइस? नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल. सो ये आ रहे हैं हमारे तीन कॉलम. पहला कॉलम है नॉर्मल, दूसरा कॉलम है एबनॉर्मल, तीसरा कॉलम है टोटल. बढ़िया सर, टू गुड. सो नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल. चलिए बैक टू बेसिक. सो आई विल राइट दैट दिस इज नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल एंड दिस इज टोटल. दिस इज नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज टोटल. गाइस डोंट फॉरगेट, क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल मिला था, ओपनिंग स्टॉक में नहीं. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 36,750. सो गाइस दिस 36,750 टोटल इज ऑल नॉर्मल बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी एबनॉर्मल नहीं मिला था. क्लोजिंग स्टॉक में हमें एबनॉर्मल मिला है तो क्लोजिंग स्टॉक में हमें एबनॉर्मल ढूंढना पड़ेगा. तो गाइस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय क्लोजिंग, और अब हम लोग चले जाते हैं वर्किंग नोट पे बिकॉज हमें क्लोजिंग स्टॉक पे एबनॉर्मल मिला था. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट ऑन माई क्लोजिंग स्टॉक. और कितना दिया है गाइस क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने? इन्होंने हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है 39,700. इसके अंदर गाइस होते हैं नॉर्मल गुड्स और इसके अंदर होते हैं एबनॉर्मल गुड्स. गाइस एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कितना था और उसके हमें वैल्यू कितने में किया था? तो गाइस उसका कॉस्ट था 3750. सो उसका कॉस्ट था 3450. गाइज दे वेर वैल्यूड एट 1150 लेस. सो गाइज दिस वॉज 3450 माइनस 1150. इसे हमने वैल्यू किया था 2300 में. उसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि 39,800 के अंदर गाइज 2300 था, विच इज यहाँ से यहाँ पे आके माइनस 1150 उन्होंने काट दिया था. तो गाइस 39,800 में 2,300 के अगर एबनॉर्मल गुड्स थे तो
तो नॉर्मल गुड्स थे 37,500 के, क्लोजिंग में नॉर्मल लिखेंगे 37,500, और एबनॉर्मल को गाइस कॉस्ट में लेके आएंगे, वैल्यूड पे नहीं लेके आएंगे, बिकॉज हमें इसे कॉस्ट टू कॉस्ट अलग ट्रीटमेंट देनी है। तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 3450, एंड गाइस प्लस 3450 करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 40,950। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? ये ही वर्किंग नोट मैंने आपको नॉर्मल क्लासेस में भी सिखाया है, एंड दिस इज द वे इट हैज टू बी डन। झकास है, टू गुड। चलिए गाइस, नेक्स्ट, लास्ट ईयर का परचेज 1,99,000 था। अब यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए कि दिस इज टू परचेज, एंड परचेज है हमारा 1,99,000। अब गाइस ओपनिंग में एबनॉर्मल नहीं था, क्लोजिंग में एबनॉर्मल है, तो ये क्लोजिंग का जो एबनॉर्मल है ना 3450, वो इस साल के परचेज से ही आया था। तो गाइस 1,99,000 माइनस 3450 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,95,550। चकास है गाइस? आर वी क्लियर विद दिस? टू गुड गाइस। नेक्स्ट वन, सेल्स 243,500। सो विल से बाय सेल्स, दिस इज 243,500 इन टोटल। गाइस कोई भी एबनॉर्मल सेल्स नहीं है, सारे नॉर्मल सेल्स है, 243,500 सारे नॉर्मल सेल्स है। सो 243,500 गाइस प्लस 37,500, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 2,81,000। गाइस दिस इज 2,81,000 माइनस 1,95,550, गाइस माइनस 36,750, आई एम गेटिंग अ जीपी ऑफ 48,700। और जीपी सिर्फ नॉर्मल गुड्स में आ सकता है, एबनॉर्मल गुड्स में नहीं आ सकता है। 40,700 प्लस 1,99,000 प्लस 36,750, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 2,84,450। गाइस माइनस 2,43,000 इज 41, नहीं कहीं तो टोटल गलत किया है मैंने। 243,500 प्लस 37,500 इज 2,81,000 माइनस 36,750 माइनस 1,95,550 48,700 बराबर है 1,99,000 माइनस 3,450 195,550 प्लस 36,750 प्लस 48,700 इज 2,81,000 माइनस 243,500 इज 37,500 परफेक्ट। सो गाइस प्लस 3,450 इज 40,950 प्लस 243,500 आई एम गेटिंग 284,450, टोटल सारे करेक्ट है 284,450। चुकास है? दिस इज जीपी। अब जीपी रेशियो निकालना था हमें, भूलना नहीं है, तो जीपी रेशियो हमारा आ जाएगा गाइस जीपी दैट इज 48,700 डिवाइडेड बाय 243,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 48,700 डिवाइडेड बाय 243,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। आई एम गेटिंग अ जीपी रेशियो ऑफ 20%, और इन्होंने कहा था एबनॉर्मल गुड्स को छोड़ के सारे जीपी रेशियो हमारे कांस्टेंट है, तो जीपी रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर आ गया हमारा 20%। तो स्टेप नंबर 3 पे चले जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि जीपी रेशियो करंट पीरियड का कितना होगा, तो जीपी रेशियो हमारे करंट पीरियड का होगा 20%। गाइस स्टेप नंबर 4, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ढूंढना है, और इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप यू गाइज आर कैचिंग अप। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना पड़ेगा इज फॉर पीरियड फ्रॉम 1 जैन 12 टू 19 मे 12, 19 मे 12 जो हमारा करंट पीरियड होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा होना चाहिए कि हमारा करंट पीरियड 1 जैन 12 टू 19 मे 12 है। तो इसके लिए हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा गाइस, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल के फॉर्मेट में। सो गाइस आ जाओ, अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मज़े कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो भी मज़े ही कर रहे हो, बट मज़े फ़िलहाल के होंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे,
आगे जाके सजे हो जाएंगे उसके, तो प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो. दिस इज नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल. आर वी क्लियर विद दैट गाइस? टू गुड. चलो, सो दिस इज गाइस नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. दिस इज नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. गाइस यहाँ से पहले चालू करेंगे टू ओपनिंग, और ओपनिंग में हमारे पास इस टाइम नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही गुड्स थे. गाइस नॉर्मल गुड्स थे हमारे पास 37,500 के, एबनॉर्मल गुड्स थे हमारे पास 3,450 के. सो दिस इज 37,500 प्लस 3,450, आई एम गेटिंग 40,950 का टोटल. क्लासिक है ये ओपनिंग है, कोई डाउट? नो. नेक्स्ट, इस साल का परचेज 81. सो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं परचेज 81. गाइस इस साल तो कोई नए एबनॉर्मल गुड्स की बात नहीं हुई, तो ये सारे के सारे हमारे नॉर्मल गुड्स है. गाइस इस साल का सेल्स है हमारा 1,15,600, बट ये 1,15,600 में एबनॉर्मल गुड्स का सेल था. अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वे सोल्ड, जो ये जो 3,450 के गुड्स है ना, उसमें से गुड्स बेचे हुए 125 के लॉस में बेचे हुए हैं. सो 1,725 का ओरिजिनल कॉस्ट था, 125 के लॉस में बेचे हुए हैं. तो ये 1,600 के एबनॉर्मल का सेल है. 1,15,600 माइनस 1,600 इज 1,14,000 के नॉर्मल गुड्स बिके हैं, और उसका लॉस पीएनएल के डेबिट साइड पे अलग से 125 का चला जाएगा. तो 1,600 प्लस 125 इज 1,725 का एबनॉर्मल गुड्स निकल गया. डू यू अग्री विद दैट? टू गुड गाइस, डन विद द क्वेश्चन. जीपी रेशियो निकाल देते हैं. तो 1,14,000 का 20% जीपी रेशियो आ जाएगा अपना 22,800. ये जीपी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स में आता है, एबनॉर्मल गुड्स में नहीं आता है. 22,800 गाइस, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं. तो गाइस हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिल जाएगा. सो गाइज वी हैव 37,500 प्लस 81,000 प्लस 22,800. आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1,41,300. दिस इज 3,450. दिस इज 1,41,300. दिस इज 3,450 प्लस 3,450. आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1,44,750. दिस इज 1,44,750. 141,300 माइनस 1,14,000. गाइस आई एम गेटिंग 27,300 ऑफ नॉर्मल गुड्स. 3,450 माइनस 1,725, आई एम गेटिंग 1,725 ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. तो प्लस 27,300 टोटल आ जाएगा मेरा 29,025 का टोटल गुड्स. जकास है. दिस कंप्लीट्स माय स्टेप नंबर 4. गाइस माय स्टेप नंबर 5 इज टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक. लॉस ऑफ स्टॉक कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से, और उसके लिए मुझे दिए गए नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स कितने थे सर हमारे पास? नॉर्मल गुड्स थे 27,300. एबनॉर्मल गुड्स को कॉस्ट पे ही लेने के लिए कहा है 1,725. The remainder of goods was now estimated to be worth its original cost. So, we have 27,300 plus 1,725. I am getting an answer of 29,025. Do you agree with that? Too good. Guys, less salvage. How much is the salvage that they have given to me? 2,900 ka salvage bach gaya hai. To 2,900 ka salvage nikal dete hai. Minus 2,900. I am getting an answer of 26,125. Guys is loss of stock. Last step, that is my step number 6. Guys, what is my step number 6? Amount of claim करना है. इसमें हमारे पास amount of policy नहीं दिया हुआ है. If I am not wrong, कहीं पे भी amount of policy नहीं दिया है, कहीं पे भी average clause की बात नहीं हुई है. तो हम लोग क्या assume करेंगे कि this is fully insured and that is 26,125. क्लासिक जकास है. थैंक यू बोलिए. और गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, बराबर से सो जाना. प्लीज़ आशीर्वाद मई 23 बैच को प्रमोट करना. एंड अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लेना, 20% ऑफ लेना.
और मैं क्या कहता हूँ, बस धमाल करना। आई लव यू, टेक केयर, चकास, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।